नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूके में सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। देख सकते हैं यूके में सिटीजनशिप मात्र 10,000 यूरो में सबको मिलेगी। बस शर्त यह है कि जैसा मैं बताऊं वैसे आप करते रहेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मात्र 10,000 यूरो में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, यानी इंडिया का कितना बन जाता है भाई, लगभग 9 लाख के करीब बन जाता होगा। 9 लाख में सिटीजनशिप, बाकी लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो कैसे मिलेगी डिटेल से जानिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको भाई करना क्या, देख लो यूके सिटीजनशिप मात्र 10,000 यूरो में मिल जाएगी। शर्त यह है कि जो मैं बोलूंगा मैं बताऊंगा वही आपको बोलना पड़ेगा। आपको क्या क्या बोलना भाई वो देख लो। आप खालिस्तान समर्थक हैं, आप किसान हैं, ठीक है जी, इंडिया में आप पंजाब में किसान हैं, अदर कास्ट में आप शादी करना चाहते हैं, आप समलिंगिंग है, भारत में पुलिस परेशान करती है, झूठे मुकदमे में फंसाती है, साथ ही लोगों को भी पुलिस ने मार डाला, और मेडिकल रिपोर्ट में समलिंगिंग की रिपोर्ट जो हम आपको बनवा के दे देंगे, साथ ही मेरी फीस 10,000 यूरो है, बस मिल गई आपको यूके की सिटीजनशिप। जी हाँ, ये बातें मैंने आपको क्यों बताई है, अब देखिए ये मामला निकल के आया है, अभी की लेटेस्ट की न्यूज है, मैं बता दूं, और इस पे जांच भी बैठा दी गई है। पीएम है जो आपको पता है, इंग्लैंड यूके के पीएम है ऋषि सनक, उन्होंने जांच बैठा दी है। ये मामला अभी लेटेस्ट में निकला है, 2 दिन पहले हुआ क्या कि एक खालिस्तानी, ये जो एक इंडिया का एडवोकेट है जो 1983 में यूके में जाके सिटीजनशिप ले लेता है, वहां पे एडवोकेट यानी इमिग्रेशन लॉयर बन जाता है, और वहां पे एक यूके लोकल यूके का एक पत्रकार एक पंजाब का किसान बनके वहां पे पहुंच जाता है। तो वो बोलता है कि जी मुझे यूके की सिटीजनशिप चाहिए, तो मुझे लेने का प्रोसेस बताओ आपको कैसे लेना होगा। तो भाई साहब ये वकील साहब इनको बताते हैं ये बातें बताते हैं कि आप ये बोल दो कि मैं पंजाब, इंडिया में पंजाब से हूँ, मैं खालिस्तान का समर्थन करता हूँ, इसलिए मुझे पुलिस झूठे मुकदमे फंसाती है, मारती है, पीटती है, जलील करती है, झूठे मुकदमे लगाती है, मेरे साथ ही लोगों को इनकाउंटर कर दिया, मेरे परिवार को दुखी कर दिया, मैं समलैंगिक भी हूँ, और इंडिया में आपको पता है पुरुष से पुरुष को शादी नहीं कर सकते, तो ये मुझे वहाँ दिक्कत होती है, मैं शादी नहीं कर सकता, और मेरे को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई है ये आपको बताना होगा, और इसके साथ में मुझे 10,000 मेरी जो यूरो फीस है वो आपको देनी होगी। भाई साहब वो पत्रकार थे, अंडरकवर पत्रकार जर्नलिस्ट थे, उन्होंने स्पाई कैमरा लगा रखा था, बंदा पूरा वकील साहब बोलते हुए रिकॉर्ड हो गए वीडियो में, और वो वीडियो हो गया वायरल, जितने भी प्रमुखता से अखबार में, टीवी में, सब जगह ये न्यूज छप गई, और वहां पे जो चांसलर हैं यूके के और ऋषि सुनक पीएम प्रधानमंत्री वहां के, उनके पास ये न्यूज पहुंच गई, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं कि ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, और वहां पे 25 ऐसी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, जो ऐसी सिस्टम मेंटेन करती हैं सिटीजनशिप दिलाने का, उनके ऊपर जांच बिठा दी गई है, और सबकी सब ये मानो लगभग इंडियन है, जो खालिस्तानी लोगों को या फिर दूसरे कोई भी लोग हो, जरूरी नहीं खालिस्तान समर्थक हो, आपको तो ये बोलना है, चाहे आप हो, ये जरूरी नहीं कि पंजाब का आदमी हो वही खालिस्तान समर्थक हो, इंडिया का कोई भी आदमी हो वो यूके में जाए सिटीजनशिप लेने के लिए, और ये बातें बोल दें जो इसने यहां पे बताई गई है, और आपको सिटीजनशिप मैं दिलवा दूंगा। ये है भैया, भारत को बदनाम करके, भारत के लोगों को बदनाम करके एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए यहाँ तक लोग गिर जाते हैं, और आप यकीन करिए इंडिया के जो भी लोग जाते हैं शरणार्थी के तौर पे या फिर वो दूसरे तरीके से जो सिटीजन, एक तो सिटीजनशिप ही होता है भैया लोकल, एकदम 8-10 साल रहते हुए हो गए प्रोसेस टू प्रोसेस वो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, वो तो होता है लीगल, एक वो लोग हैं जो उनका टारगेट होता है माइंडसेट करके जाते हैं, और वहां पे कोर्ट में उनका जब फैसला होता है, उनका केस चलता है कोर्ट में, इनका अलग से कोर्ट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं होता, भारत को, भारत के लोगों को जितना जल्दी जितना ज्यादा बदनाम करोगे उतना ही वहां की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई ये बंदा अगर वापस इंडिया चला गया तो इसकी तो मौत निश्चित है, इसको कोई बचा नहीं सकता, ये सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये क्रिएट करवाते कौन है, जो वहां के जो काम करते हैं ना एडवोकेट वगैरह, वो ऐसा करवाते हैं कि भाई शर्त हमारी ये है कि आप दूसरी से मैरिज में शादी करना चाहते हैं, समलैंगिक है, पुलिस परेशान करती है, सरकार आपको बहुत दुखी करती है, सरकार आपके पीछे पड़ी है, वहां के लोग पीछे पड़े हैं, और ये हालांकि इस पर जांच बिठा दी गई है, और जैसे ये दोषी पाए जाते हैं इनकी भी, इनका प्रोफेशन है जो ये काम कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर हैं जो भी हैं, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, इनकी मान्यता रद्द करके हो सकता है इनको जेल भेजा जाए, अब देश से तो निकाला नहीं दे सकते क्योंकि वहां की सिटीजनशिप है, काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, लेकिन ये गलत है, और कहीं भाई आप भी इनके चक्रों में ना जाए, पता चले आपका वीडियो बन रहा है सोशल मीडिया पे फेक हो गया। ये लोग ज्यादातर वो लोग हैं जो यूके में, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, अलग अलग देशों में जाके सिटीजनशिप इस आधार पर लेते हैं शरणार्थी के तौर पर कि भाई इंडिया में हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये हमारे साथ कांड हो रहा है, जबकि ये आपको भी पता है जो इंडिया में लोग रहते हैं आपको नहीं पता कि ये सच है क्या, ये झूठ है, फेक है। तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैं बोला भाई वकील साहब की फीस है $10,000। अब वकील साहब अभी तो उनका इलाज हो रहा है, आगे जैसे उसका इलाज होगा उसकी न्यूज आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।